अब गाइस इंस्टाग्राम पे जो है कुछ इस टाइप की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों आप सभी के लिए इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए आप सभी के लिए। तो आप लोग जो है गाइस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपको एकदम कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, और वो भी गाइस बहुत ही ईजी स्टेप है जिसमें कि गाइस आप ये मतलब कि 2 मिनट में एडिट कर लोगे आप इसको, और वीडियो भी जो है काफ़ी बहुत छोटी है, मतलब कि आप इसमें मतलब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको जो ईजिली समझ आ जाएगा कि आपको एडिट कैसे करना है। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार हम 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को जो है इस वीडियो को एडिट करने के लिए पहले आपको इस टाइप से एक वीडियो को शूट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है जहाँ आपका मॉडल बैठा होगा उस जगह का आपको जो है एक मतलब कि स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है। जैसे गाइस मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे गाइस मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लिया इसका एक, ठीक है। अब स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस कोई भी एडिटिंग का ऐप यानी फोटो एडिटिंग का कोई सा भी ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं पिक्सआर्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेना, एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे गाइस आप लोग करना क्या है, गाइस पहले तो आपको इस फोटो को जो है क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि जो वीडियो का साइज होगा उस हिसाब से क्रॉप करना है, तभी गाइस की मतलब कि वो वीडियो में जो है जब आप एडिट करने जाओगे तभी वो वहाँ पे एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्रॉप कर लेना पहले ही। फिर इसको क्रॉप कर देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को जो है सिंपली इरेजर टूल में जाना है, ठीक है। जो क्योंकि आपको ड्रॉ टूल में मिलेगा, आपको ड्रॉ टूल में जाना है। यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको ऊपर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फिर लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे ब्रिज के ऊपर से एंड जो नीचे से आपको इसको पूरा इरेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो हार्डनेस है इसको यहाँ पे कम कर लेते हैं, साइज को बढ़ा देते हैं और इसको फटाफट इरेज करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है, जैसे आप फोटो को सेव कर लोगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आप सभी करना है क्या, यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टेप है, आपको कुछ भी ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिंपली यहाँ पे स्किप वगैरह कर देना, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको जो आपकी वीडियो जो एक्चुअल में आपने शूट करी थी आपको सिंपली उस वीडियो को यहाँ पे ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे वीडियो ऐड हो जाएगी आपको सिंपली यहाँ पे जो डुप्लीकेट वाला जो ऐड का ऑप्शन है जो मतलब कि आपको ऊपर की तरफ जो थर्ड नंबर पर दिख रहा होगा ऐड वाला, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से अभी आपसे अपनी जो मतलब कि PNG बनाया था यहाँ पे ब्रिज का आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, एंड इसको आपको सेम साइज में वैसे ही ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस इसको ऐड कर देने के बाद आप जैसे इसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या करना है, आपको जो इसकी लेयर है पूरी लेयर जो इसको पूरी एंड तक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जो बाकी लास्ट में जो वाटर मार्क होगा उसको डिलीट कर देना है। अब गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को चला के दिखाता हूँ आपको। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट। अब गाइस देखिए मैंने आपको 2 मिनट में सिखा दिया कि आपको कैसे एडिट करना, तो हमारी वीडियो जो थी आज की यहीं तक थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।